पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए हर रोज भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी संबंध में आज ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कहा कि वे पीएम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। ममता ने लोगों से अपील की कि बीजेपी को वोट न देकर विदा कर दिया जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी को विदाई दे दीजिए, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा देखना नहीं चाहते, हम दंगा, लुटेरा, दुर्योधन और दुशासन नहीं चाहते हैं। इसी के साथ ममता ने आगे कहा कि बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए हैं। पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। पैर की चोट को खुद पर हमला बताते हुए ममता ने कहा कि पहले मेरे विरोधियों ने मेरे सिर में चोट मारी और अब मेरा पैर घायल कर दिया है, लेकिन मैं भी योद्धा हूँ। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।